यूपी बोर्ड के 11th के सिलेबस के अनुसार हम लोग पोएट्री का थर्ड लेसन एजुकेशन ऑफ नेचर पढ़ने जा रहे हैं। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा, ऑफ नेचर मीन्स होता है प्रकृति का, यानी प्रकृति की शिक्षा, जिसके राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पोएम के शुरुआत में लिखा है, 3 years she grew in sun and shower, then nature said, a lovelier flower on earth was never shown. This child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own. 3 years मतलब 3 सालों तक, सी ग्रीव इन सन मीन्स वह पली बड़ी, सन एंड सॉर मीन्स धूप और बौछार में, 3 वर्षों तक वह धूप और बौछार में पली बड़ी, 3 वर्षों तक वह बच्ची दुख और सुख में पली बड़ी, धूप मतलब सुख और सॉर मीन्स बौछार यानी दुख, 3 वर्षों तक वह बच्ची धूप और बौछार में पली बड़ी, देन नेचर सैड तब प्रकृति कही, ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन, इतनी प्यारी बच्ची इस पृथ्वी पर कभी भी पैदा नहीं हुई, मतलब इतना प्यारा फूल इस पृथ्वी पर कभी भी नहीं खिला। द चाइल्ड I to myself will take, इस बच्ची को मैं गोद ले लूँगी, she shall be mine, और वह मेरी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति है ना, और प्रकृति को एक महिला माना जाता है, लेडी माना जाता है, तो इसलिए बार बार निगेटिव अर्थ आ रहा है। 3 years she grew in sun and shower, 3 वर्षों तक वह बच्ची धूप और बौछार में पली बढ़ी, मीन्स दुख और सुख में पली बढ़ी, तब प्रकृति कही कि इतनी प्यारी फूल इतनी प्यारी बच्ची पृथ्वी पर कभी भी पैदा नहीं हुई या उगी नहीं, इस बच्ची को मैं गोद ले लूँगी, और जब मैं इस बच्ची को गोद ले लूँगी तो यह मेरी हो जाएगी, और फिर मैं इसे अपने ही समान महिला बनाऊंगी, फिर मैं इसे अपने ही समान महिला बनाऊंगी। 3 वर्षों तक यह बच्ची धूप और बौछार में पली बड़ी, धूप और बौछार का मतलब सुख और दुख में पली बड़ी, तब प्रकृति कही कि इतनी प्यारी बच्ची पृथ्वी पर कभी पैदा नहीं हुई, मतलब इतना प्यारा प्यारी फूल कभी भी खिला नहीं, इस प्यारी बच्ची को मैं गोद ले लूँगी, और जब मैं गोद ले लूँगी तो यह मेरी हो जाएगी, एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और फिर मैं इसे अपने ही समान एक महिला बनाऊँगी, और फिर मैं इसे एक अपने ही समान महिला बनाऊँगी। ओके, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, मेरे लिए यह बच्ची बहुत ही खास होगी, मेरे लिए यह बच्ची बहुत ही प्रिय होगी, बातला एंड इम्पल्स, मैं इसे दोनों चीज़ सिखाऊंगी, नियम भी सिखाऊंगी और भावनाएं भी सिखाऊंगी, एंड विथ मी, और मेरे साथ, द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, यह बच्ची पर्वतों पर जाएगी और मैदानों पर जाएगी, इन अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी पर जाएगी एंड हेवन और स्वर्ग में भी जाएगी, इन ग्लेड एंड बोअर, खुले जंगली मार्गों में जाएगी और बॉर्मिस कुंज में जाएगी, कुंज बहुत ही खूबसूरत स्थान होता है पेड़ पौधों वाला, सेल फील एंड ओवर सिंग पावर, और जहाँ कहीं भी जाएगी वह ओवर सिंग पावर यानी ऊपर से नियंत्रित कर रही शक्ति का अनुभव करेगी, और जहाँ कहीं भी जाएगी ऊपर से नियंत्रित कर रहे शक्ति का अनुभव करेगी, टू काइंडल आर रेस्ट्रेन, ओवर सिंग पावर मतलब ऊपर से देख रहे, काइंडल आर रेस्ट्रेन मीन्स नियंत्रित कर रहे शक्ति का अनुभव करेगी। एक बार और देखिए, मेरे लिए यह बच्ची बहुत खास होगी, मैं इस बच्ची को नियम और भावनाएं सिखाऊंगी, मेरे साथ यह बच्ची चट्टानों पर जाएगी, प्लेन मीन्स मैदानों में जाएगी, अर्थ मीन्स पृथ्वी पर रहेगी, हेवन मीन्स स्वर्ग में जाएगी, ग्लेड मीन्स खुले मार्गों में जाएगी, बॉर मीन्स कुंजों में जाएगी, सेल फील एन ओवर सिंग पर, और जहाँ कहीं भी जाएगी उसे ऐसा महसूस होगा कि ओवर मतलब ऊपर से, सिंग मतलब कोई देख रहा है उसे, कोई उसका देखभाल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है उसे। ओके, सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, वह बच्ची हिरन के बच्चे के समान फुर्तीली होगी, एंड
दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लान, और वह जंगली मैदानों को, जंगली फील्ड को कूदते फांदते हुए पार करेगी, अप द माउंटेन स्प्रिंग, और पर्वती झरनों पर भी जाएगी वह बच्ची। कहाँ जाएगी? पर्वती झरनों पर जाएगी। एंड हर सेल बी ब्रीदिंग बाम, और वहाँ झरनों का जब पानी गिरेगा और उसकी हवाएं जब उसे लगेंगी तो एक दर्दनाशक दवा का काम करेगा। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना, बाम मीन्स दर्दनाशक दवा। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेट थिंग्स, और वहाँ का शांत एकांत वस्तुएँ, निर्जीव वस्तुएँ उस बच्ची को बहुत ही अच्छी लगेंगी। वह हिरण के बच्चे के समान जंगलों के मैदानी क्षेत्रों को क्या करेगी, घासों को पार करेगी। उसे झरने प्रिय अच्छे लगेंगे, और झरनों से गिरता हुआ पानी का जो हवाएं होंगी इसे ब्रीदिंग बॉम्ब के समान, दर्दनाशक दवा के समान लगेगा। वहाँ की शांत और एकांत वस्तुएं इसके लिए बहुत ही अच्छी, इसे बहुत अच्छी लगेंगी। वहाँ के निर्जीव वस्तुएं जो शांत और एकांत हैं इसे बहुत ही अच्छी लगेंगी। ठीक है, गॉट इट। द फ्लोटिंग क्लाउड्स, तैरते हुए बादल, देयर स्टेट साइलेंट, तैरते हुए बादल इस बच्ची को चलना सिखाएंगे। क्या बात है, तैरते हुए बादल इस इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, इस बच्ची को तैरते हुए बादल चलना सिखाएंगी। टू हर फॉर हर द विलो बैंड, और जो विलो नाम का सरपत, देखें आप लोग, विलो भी एक प्रकार का पौधा होता है, सरपत देखे हैं, खूब तेज तूफान नहीं महातूफान आ जाए तभी भी क्या होता है, हवा आएगा एकदम पूरा का पूरा सो जाएगा, और आंधी तूफान खत्म होने के 30 सेकेंड बाद लहलाता है एकदम, है ना। तो ये विलो नाम का जो पौधा है इसे झुकना सिखाएगा। नार सेल सी फेल टू सी इवन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, ग्रेस दैट सेल माउल द मैडन स्वाम बाय साइलेंट सिंपाथी। ये सारी वस्तुएं तूफान इसका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये सभी इस बच्ची के साथ सहानुभूति प्रदान करेंगे। प्रकृति की बच्ची है ना, तो कोई इसका नुकसान नहीं करेगा, सब इसके साथ सहानुभूति प्रदान करेंगे। इसके इस प्रकार से सेल ग्रेस दैट सेल माउल द मैडन फार्म, इस प्रकार से उस बच्ची की शारीरिक विकास होगी, मैडन में शारीरिक विकास होगी। तैरते हुए बादल इस बच्ची को चलना सिखाएंगे, विलो नाम का पौधा इस बच्ची को झुकना सिखाएंगे, तूफान या अन्य जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी इस बच्ची के साथ सहानुभूति प्रदान करेंगी, और इसे इसका शारीरिक विकास होने पर इसे बड़ा होने में इसकी मदद करेंगी, सहानुभूति प्रदान करेंगी। क्लियर हुआ। द स्टार्स ऑफ मिड नाइट शैल बी डियर, और रात्रि के तारे प्यारे लगेंगे। अब बच्ची लग रहा बड़ी हो गई है, और रात्रि के तारे प्यारे लगेंगे। एंड शैल फील लीन हर ईयर इन मैनी सेक्रेट प्लेस, और सी शैल लीन हर ईयर, यानी वह प्रकृति उसके कानों में रहस्यमय स्थानों के बारे में बताएगी। और रात्रि के तारे अब बच्ची को प्यारे लगेंगे, और प्रकृति उसके कानों में रहस्यमय स्थानों के बारे में बताएगी। वेयर रिवर्स डांस देयर वे वार राउंड, जहाँ नदियाँ क्या करते डांस में से गोल गोल नाच, मतलब नदियों का पानी बहता है और रिवर्स में एक ही जगह गोल गोल घुमरी करता है। एंड द ब्यूटी मार्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस, और जब नदियों का पानी गिरता है ना, तो एक कल कल छल छल कल कल छल छल की आवाज़ निकलती है। वह आवाज़ और उसके जो हवा होंगे इसके चेहरे के रास्ते जब गुजरेगी तो इसे बहुत ही अच्छे लगेंगे, वह बहुत ही अधिक खुश होगी। और रात्रि के तारे इस बच्ची को प्रिय लगेंगे, प्रकृति छुपके से उसके कानों में रहस्यमय स्थानों के बारे में बताएगी, फिर इसे उन रहस्यमय स्थानों में ऐसे स्थानों पर ले जाएगी जहाँ नदियों के पानी गोल गोल क्या करती हैं, घूमती हैं, और नदियों के पानी के जो चलने के गिरने की आवाज़ होंगी वह उस बच्ची के चेहरे से गुजरेंगी, है ना, उसके बूंदें जब नदियों के गुजरते हैं चेहरे से तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है, तो इस बच्ची को बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड विटाल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, हर एक चीज़
इसे खुशियाँ प्रदान करेगी, विटाल फीलिंग ऑफ लाइक, मतलब हर एक वस्तु इस व्यक्ति इस बच्ची को खुशी प्रदान करेंगी। सैलरियर हर फार्म टू स्टेट हाइट, और इस प्रकार से उसकी शारीरिक विकास होगी, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका हर एक एक महिला का जो शारीरिक विकास होता है हर एक अंग उसका विकसित हो जाएगा। हर वर्जिन बोसम स्वेल, उसके यहाँ पर वर्जिन बोसम स्वेल का मतलब यही है कि उसका वक्ष स्थल उसका शारीरिक हर अंग विकसित हो जाएगा। सी थॉट टू लूसी आई विल गिव सच थॉट, मतलब ऐसा विचार मैं लूसी को दूंगी। वाई सी एंड आई टुगेदर लिव, और मैं और लूसी एक साथ रहेंगे हियर इन द हैप्पी डेल, यहाँ पे प्रसन्नदायक घाटी में। फिर बता समझ लीजिए, एंड विटाल फीलिंग ऑफ डिलाइट, एंड विटाल फीलिंग ऑफ डिलाइट, और इस प्रकार से मैं जीवन देने वाली प्रसन्नदायक भावनाएं मैं इस बच्ची को दूंगी। और सेल रियर हर फार्म टू स्टेटली हाइट, हर वर्जिन बसम स्वेल, उस शरीर की शारीरिक विकास होगी, शरीर उसके सभी अंगों का विकास होगा, उसके वक्ष स्थल का विकास होगा। इस प्रकार से मैं लूसी को ऐसी विचार दूंगी, और फिर जब मैं अच्छी विचार दे दूंगी तो वह और मैं दोनों लोग एक साथ साथ इस घाटी में रहेंगे, इस प्रसन्नदायक इस खुश भरी घाटी में रहेंगे। दस नेचर स्पा द वर्क आज वर्टन, इस प्रकार से प्रकृति का ही काम पूरा हो गया, यानी बच्ची बड़ी हो गई, काम पूरा हो गया। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, कितनी जल्दी मेरे बच्ची लूसी का जो दौड़ था समाप्त हो गया, मतलब बच्ची पैदा हुई, जवान हुई, बड़ी हुई और फिर मर गई, उसका दौड़ समाप्त हो गया। सी डेड, वह मर गई। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे अकेला छोड़ गई, और वह मरने के बाद मुझे अकेला छोड़ गई। दिस हैथ दिस काम एंड क्वाइट सीन, इस बंजर इस शांत और इस एकांत स्थल में जो प्रसन्नदायक घाटियाँ होती थी ना, अब वो घाटियाँ उसके बिना सुनसान लग रही हैं, उसके बिना हर एक चीज़ शांत लग रहा है, बंजर लग रहा है। द मेमोरी ऑफ वाट हैज़ बीन, अब तो उसकी केवल यादें रहेंगी, एंड नेवर मोर विल बी, और वह अब कभी भी नहीं होगी। इस प्रकार से प्रकृति कही कि कार्य समाप्त हो गया, लूसी का कितना जल्दी जीवन का दौड़ समाप्त हो गया, वह बच्ची के रूप में पैदा हुई, बड़ी हुई, युवा हुई और अंत में मृत्यु हो गया उसका, और वह मुझे अकेला छोड़ गई। यह जो प्रसन्नदायक घाटी थी यह मुझे बंजर लग रहा है, शांत और एकांत लग रहे हैं, अब तो उसकी केवल यादें रहेंगी और वह अब कभी भी नहीं होगी, अब तो उसकी केवल यादें रहेंगी और वह अब कभी भी नहीं होगी। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी एंड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। बाय बाय।